हेलो मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में तो बच्चों आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 के क्वेश्चंस को ठीक है हम उनके आंसर्स को ढूंढेंगे और उनके सॉल्यूशन को भी देखेंगे ठीक है लेकिन अब आपको क्या करना है अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और उनसे भी कहना है कि वो सब्सक्राइब करें तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन है क्योंकि हम चार क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑफ अपेरेंस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट सब स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट इन मियोसिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होते हैं ठीक है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होते हैं वो प्रोफेस फर्स्ट की किस सब स्टेज में अपीयर होते हैं तो यहाँ पर प्रोफेस फर्स्ट की चार सब स्टेजेस दी हैं वैसे पांच होती तो पहले जरूरी है जानना कि जिसके बारे में पूछा गया है वो आखिर है क्या ठीक है जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होगा जिसके बारे में पूछा गया है तो हम आंसर देंगे कैसे तो सबसे पहले जरूरी है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या है तो सबसे पहली बात देखो ये मल्टी मल्टीप्रोटीनियस कंपोनेंट है जो कि एसोसिएटेड होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से किससे एसोसिएटेड होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जो कि प्रमोट करता है क्रॉसिंग ओवर को ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से एसोसिएटेड होता है जो प्रमोट करता है क्रॉसिंग ओवर को किसके मध्य नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य ऑफ मोलोग क्रोमोजोम नॉन देखो ये चीज याद रखनी है टू नॉन क्रोमेटिड्स होमोलोगस क्रोमोजोम एट द वेरियस पॉइंट ठीक है तो ये इंड्यूस करता है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम ठीक है अब बात करते हैं कि ये किस फेज में किस सब फेज में आते हैं प्रोफेज फर्स्ट की तो जैसे कि हमको पता है कि प्रोफेज फर्स्ट जो है वो फाइव सब स्टेजेस में डिवाइड है लिपोटीन जाइकोटीन पैकिटीन डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस तो यदि हम बात करते हैं पहले फेज की लिप्टोटीन की तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं क्योंकि उसमें कंडेंसेशन हो चुका होता है ठीक है अब बात करते हैं जाइगोटीन की तो यहाँ पर क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है ठीक है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में बहुत पास आ जाते हैं स्टार्टिंग एट दी जाइगोटीन स्टेज विच इज कॉल्ड सिनेप्सिस ठीक है जब वो दोनों आपस में क्लोज आ जाते हैं एक पेयर बना लेते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिनेप्सिस द पेयर ऑफ सिनेप्सिस क्रोमोसोम्स आर नोन एज डाइवेलेंट ठीक है फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व पर जाइगोटिन स्टेज में क्या हो रहा है कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है इट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल प्रोटीन अलोंग विद द विदेंट ठीक है तो यहां पर भी रिकॉम्बिनेट रिकॉम्बिनेशन नूड्यूल्स नहीं बन रहे हैं लिपोटीन में और ना ही जाइगोटीन में जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है और यहाँ पर साथ ही साथ जो नॉन सिस्टम जो होमोलोग वो आपस में पास आए हैं ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की जो कि के बाद आती है दिस इज कॉल्ड द पैकिटीन स्टेज तो इसमें क्या होता है दाईवेलेंट क्रोमोजोम अपीयर इन फॉर्म ऑफ टेट्राड ठीक है किसके फॉर्म में टेट्राड के फॉर्म में ठीक है द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज पैकेटीन यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या होते हैं अपियर होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये टेट्राट की फॉर्म में आ जाता है ठीक है ये टेट्राट की फॉर्म में आ जाता है और इनके बीच में फॉर्मेशन होने लगता है किसका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का ठीक है जो एनहेंस करता है क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस को या हम कहते हैं प्रमोट करता है ठीक है डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस के बारे में भी जान लेते हैं जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है. है वो डिजोल्व हो जाता है ठीक है यहाँ पर क्या होता है तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है सेपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस एट ऑल ठीक है एक्सेप्ट साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर ये अलग हो जाते हैं जो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं अलग हो जाते हैं केवल एक साइड को छोड़कर जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो हैंस द फॉर्मेशन ऑफ काइसमैटा इज ऑब्जर्व विच रिजेंबल एक्स शेप्ड ठीक है तो यहाँ पर काइसमेटा हमें देखने को मिलता है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये कॉम्प्लेक्स डिजोल्व हो रहा है ठीक है क्रोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो चुके हैं केवल एक स्थान को छोड़ के जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है यहाँ पर काइसमेटा का फॉर्मेशन होता है ठीक है अब बात करते हैं डाइकेनेसिस की डाइकेनेसिस में बच्चों क्या हो रहा है कि टर्मिनेशन हो रहा है टर्मिनाइजेशन हो रहा है का, इस का? ठीक है, stage, ठीक है? O, जो है, वो इस में हो चुके हैं. जो है वो उनकी असेंबलिंग होनी स्टार्ट हो गई है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डाउन हो गए हैं और डिसअपेयर हो गए हैं ठीक है किस स्टेज में कानेसिस में डाइकाइनेसिस में तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो सही उत्तर है वो है पैकिटीन तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कौन सा है बताएं। हमारा सही उत्तर है पैकेटीन यानी कि ऑप्शन थ्री तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हमारा अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई देयर ऑफ हेट्रोस्पोरस ट्रेडियोफाइट्स अमंग फॉलोइंग कुछ नहीं है हमें बताना है कि जो हमें ऑप्शन में ये जो ट्रेडियो दिए गए हैं इनमें से कौन से ट्रेडियो ऐसे हैं जो जो हिड्रोस्पोरस होते हैं ठीक है तो चलो अभी बता देते हैं यहाँ पर हमने सहारा लिया है एनसीआरटी का ठीक है तो एनसीआरटी कहती है कि ट्रेडियोफाइट्स ट्रेडियो में दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं कितने प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स ठीक है अब ये कह रही है इन मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडियोफाइट्स ऑल दी स्पोर्स आर सिमिलर काइंड सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस यानी कि जब दोनों ही यानी कि जितने भी स्पोर्स हैं यहाँ पर ट्रेडियोफाइट्स में वो सब एक प्रकार के होते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोस्पोर्स क्या कहते हैं होमोस्पोर्स तो ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडियोफाइट्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं परंतु कुछ जेनेरा लाइक स्ल और साल्वेनिया ये प्रोड्यूस करते हैं दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफ स्पोर्स तो तू स्पोर्स टू ठीक है मैक्रो जिसे हम लार्ज कहते हैं माइक्रो जिसे हम स्मॉल कहते हैं ठीक है ऐसे स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस ठीक है तो जो मेगा माइक्रोस्पोर है जर्मिनेट होता है वो आगे जाके लार्ज जो है उन्हें हम कहते हैं मेगा और जो माइक्रो है उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर माइक्रो मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर इनमें जब जर्मिनेशन होता है ना तो ये आगे जाकर बनते हैं मेल और फीमेल गैमिटोफाइट यानी कि मेगा स्पोर जो बनता है वो बनता है फीमेल गैमिटोफाइट और माइक्रोस्पोर बनते हैं मेल गैमिटो फाइप्स ठीक है तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर कौन सा है स्लेजनेला और साल्विनिया। इसलिए कहते हैं कि भैया अगर कंपटीशन का एग्जाम देना है तो एनसीआर जरूर पढ़ो ठीक है तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वह सही उत्तर है चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहा है ट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आय अक्रॉस दिन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन बाय मूवमेंट और आइंस का अक्रॉस अ मेम्रेन देखो बात को समझो मूवमेंट भी हो रहा है अक्यूमुलेशन भी हो रहा है किसका आइंस का अक्रॉस अ मेम्रेन ठीक है अगेंस्ट यहां पर क्या भी, क्या भी बात ध्यान रखनी है अगेंस्ट देयर एक्सप्लेन तो की जाती है तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं फेसिलेटेड पैसिव एक्टिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें फैस, फैसिलेटेड डिफ्यूजन की तो ये एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है ठीक है तो पहले से हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम पहले से डिस्कस पहले बात करते हैं दो प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं पैसिव और एक्टिव तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच मॉलिक्यूल्स कैन पास अलॉन्ग देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए टी पी कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट ठीक है दिस द ट्रांसपोर्ट इन विच मॉलिक्यूल्स कैन पास अलोंग देयर देखो यहां पे अलोंग देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए टीपी इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं पैसे ट्रांसपोर्ट यानी कि जब मॉलिक्यूल्स जाते हैं ज्यादा से कम की ओर ठीक है

मॉलिक्यूल सब्सटेंस ओके जहां पर भी ट्रांसपोर्ट होना है inhibit, तो यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बच्चों वो किसके हो रहा है वो कैसे हो रहा है अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ठीक है और यहां पर एटीपी की भी नीड है तो देखो हमारा आंसर तो हमें मिल चुका है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो उसका सही उत्तर है लेकिन ऑप्शन में हमें फैसिलेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस भी दिया है तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन जो है वो सिंपली क्या है कि एक तरीके का डिफ्यूजन ही है यहाँ पर क्या हो रहा है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ हो रहा है परंतु यहाँ पर स्पेशलाइज प्रोटीन का यूज हो रहा है ठीक है स्पेशलाइज प्रोटीन का यूज हो रहा है व्हेन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द केमिकल नेचर एफिनिटी ऑफ द सब्सटेंस ठीक है तो यहां पर भी किसी भी प्रकार की एनर्जी का उपयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मो उस... हेलो मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है आपका कांजिना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में तो बच्चों आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 के क्वेश्चंस को ठीक है हम उनके आंसर्स को ढूंढेंगे और उनके सॉल्यूशन को भी देखेंगे ठीक है लेकिन अब आपको क्या करना है अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और उनसे भी कहना है कि वो सब्सक्राइब करें तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेल टेशन इज ऑब्जर्व तो यहाँ पर हमने हाँ, हमें कुछ पौधों के एग्जाम्पल दिए प्लांट्स के एग्जाम्पल दिए तो पता होना चाहिए कि क्या है या क्या है? तो simply, यदि हम बात करते हैं प्लेजेंटेशन के तो प्रेसेंटेशन क्या है अरेन्जमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन दी ओवरी इज कॉल्ड दिन सिंपली याद कर लो जो ओवरीज है ओव्यूल जो है उनका अरेन्जमेंट ओवरी के अंदर बस है क्या इसमें ठीक है तो ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं एक्सिल मार्जिनल पेराइटल फ्री सेंट्रल और बेजल। तो देखो क्या होता है एक्सिल प्रेजेंटेशन में क्या होता है आर अटैच्ड मल्टी लोक्यूलर ओवरी इट इज नोन एज एक्सिल प्रेजेंटेशन तो एक्सिल प्रेजेंटेशन के यदि हम एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे पहले आता है हमारा टोमेटो ठीक है टोमेटो ठीक है फिर आ गया हमारा लेमन नीबू, फिर आता है हमारा चाइना रोज जिसे हम हिबिस्कस भी कहते हैं ठीक है और होता है पिट्यूनिया ठीक है यदि हम मार्जिनल प्रेजेंटेशन की मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है ओव्यूल्स आर फॉर्म ऑन द द ऑफ प्लेसेंटा इट इज कॉल्ड द मार्जिनल प्लेसेंटेशन तो यहाँ पर इसका सबसे इजीली उदाहरण है मटर यानी कि पी आप देखना कि जो मटर के दाने होते हैं वो कैसे किनारे पर लगे हुए होते हैं ठीक है अब बात करते हैं पेराइटल प्रेजेंटेशन की तो यहाँ पर क्या हो रहा है ओव्यूल्स आर अटैच टू द इनर वॉल ऑफ ओवी इट इज कॉल्ड पेराइटल पेराइटलटेशन जो ओव्यूल्स होते हैं ना वो इनर वॉल जो होती है ना ओवरी वहां पर होते हैं तो यहां पर इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड जिसे हम प्यार से कहते हैं सरसों, ठीक है सरसो। अब बात करते हैं फ्री प्लेसेंटेशन की तो यहां पर क्या होता है कि ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दी सेंट्रल एक्सिस विदाउट सेप्टा ठीक है सेंट्रल एक्सिस पर होते हैं परंतु यहां पर सेप्टास नहीं होते उनके बीच में तो यहां पर इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्राइम रोज और है डाइंथस ठीक है प्राइम रोज और डाइनथस जो है वो इसका एग्जाम्पल है अब बात करते हैं बेसल की तो यहाँ पर क्या होता है कि जो होते हैं वो डेवलप होते हैं एट दी बेस ऑफ ओवरी और इसका एग्जाम्पल है मैरीगोल्ड और सन फ्लावर ठीक है तो यहां पर यदि हम देखें हमें जो ऑप्शंस में दिए गए हैं कि टोमेटो है लेमन है चाइना रोज है पिटूनिया है ये चार हैं हमें इन चारों से मतलब है टोमेटो ठीक है टोमेटो हम आ रहे हैं टोमैटो देखो यहां पे टोमेटो गलत लिख गया ये टोमेटो था ठीक है तो हमारा क्या था टोमेटो चाइना रोज लेमन और बताओ लेमन और पिटूनिया है ना तो अब देखो कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं अपने पहले ऑप्शन को तो हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है चाइना रोज बीन ल्यूपिन तो भैया इन दोनों में इसका तो कोई नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है टोमेटो डाइंथस पी ये भी गलत है क्योंकि टोमेटो ही है बल्कि डाइंथस और पी तो नहीं है ठीक है चाइना रोज भी है पिटूनिया भी है और लेमन भी है तो ये हो सकता है एक बार चौथे ऑप्शन को और देख लेते हैं मस्टर्ड नहीं क्यूकेम्बर नहीं प्राइम रोज नहीं तो हमारा सही उत्तर है ये वाला के एक्सेल प्लेसेंटेशन ऑब्जर्व इन चाइना रोज पिटूनिया लेमन और हाँ टमेटो को मत बोलना तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इस साल सात मई को जो नीट का एग्जाम हो चुका है उससे रिलेटेड उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस किया है तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय और लगातार मैं आपके लिए नीट के सॉल्व सॉल्यूशंस लेके आती रहूँगी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में बस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बाय बाय